सेवन राइडर जिसको सब जोकर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ जोकर ही नहीं चोर भी है। संगम विनायक ने क्यों बोला UK07 राइडर को चोर? दरअसल UK07 राइडर ने गाना किया था जो कि एलविस यादव के सपोर्ट में बनाया था जब एलविस यादव बिग बॉस में तो थे। संगम विनायक को उस गाने में फुल क्रेडिट दिया गया, बट अब संगम विनायक का टाइटल से नाम हटा दिया गया। इस पर संगम विनायक दा UK07 राइडर को क्या बोले आप देखिए। इस पर UK07 राइडर ने भी रिएक्शन किया है, पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या आपको पता है ये कौन है? ये है UK07 राइडर जिसको सब जोकर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ जोकर ही नहीं चोर भी है। पिछले साल जब एलविश यादव भाई बिग बॉस में थे, यूके को एलविश भाई के सपोर्ट में एक गाना निकालना था। इसको मैं अपने दोस्त दुष्यंत के थ्रू मिला और इसको मैंने गाना बना कर दिया जिसका नाम था सिस्टम, क्योंकि मैं एलविश भाई को दिल से सपोर्ट करता हूं। और कल मैंने यूट्यूब चेक किया तो UK07 ने मेरा नाम गाने के टाइटल से हटा दिया है और डिस्क्रिप्शन में जितने भी मेरे क्रेडिट्स थे वो भी हटा दिए हैं। वीडियो में तो मुझे लिया ही गया था और अब मेरे सारे क्रेडिट्स भी हटा दिए। दोस्तों इस गाने के 25 मिलियन व्यूज हैं और ये गाना UK07 के चैनल का सबसे ज्यादा व्यूज वाला वीडियो है। मैंने इतने मन से ये गाना गाया, लिखा और इसका म्यूजिक बनाया था। दोस्तों वैसे तो ये अपने व्लॉग्स में प्यार बांटने की बातें करता है, दान पुण्य की बातें करता है और इसका खुद का सगा भाई एक रैपर है, लेकिन इसने यूट्यूब पे इस गाने से मेरा नाम और निशान मिटा के मेरा हक छीन लिया। माना मैं कोई फेमस आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन मैं इससे, इसके फैंस और इसकी बॉट आर्मी से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने देश के लोगों पर भरोसा है कि वो मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। तो सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि कोई भी किसी आर्टिस्ट के क्रेडिट्स छीनने से पहले लाख बार सोचे, और अपने कमेंट्स में UK07 को टैग करो और उसे बोल दो उसने हरियाणा के छोरे से पंगा लिया है और मैं अपना हक लेके रहूंगा। UK07 को मेरे क्रेडिट्स वापस से देने पड़ेंगे, पब्लिकली वीडियो डाल के मुझसे सॉरी मांगना पड़ेगा। दोस्तों मेरा साथ दो, सही का साथ दो। और फिर UK07 राइडर ने कमेंट किया, भाई ये इंटरनेट की लड़ाई क्यों? आपके पास मेरा फोन नंबर था, फोन करके बता देते और आपको वैसे भी इस गाने के पूरे पैसे मिले। और किसी कारण से 2 दिन के लिए मैंने आपका नाम हटाया था और अब UK07 राइडर ने फिर से विनायक का नाम लगा दिया है। और YouTube कम्युनिटी की सारी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।